रही और आपका आज भी रहे स्वागत है। और आप लेकर आए उसका टाइटल है, 40 rupees ओनली सुपर वुमन फ्रॉम सिंगापुर सेल्स इंडियन स्ट्रीट फूड। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का रीजन एक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलग मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आपका स्वागत है, मैं हूं आपका अपना हरि। और भाई साहब आज मैं हूं मोहाली में सेक्टर 91 में अजीत समाचार बिल्डिंग के एकदम सामने। यहाँ पे एक बहुत ही यंग सुपर वुमन है जो लगाते हैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पंजाबी खाना। एंड मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। आपको सब दिखाता हूँ, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ, आज बहुत मजा आने वाला है। अमन सत श्रीकाल। सत श्रीकाल, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया, बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। मोस्ट वेलकम सर, आपने मेरे को टाइम दिया। थैंक यू अमन। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आप कब से लगा रहे हो ये चीज, और मुझे एक स्टोरी की तरह बताओ कि आपने ये काम क्यों शुरू किया। माइंड में था कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मेरे को कभी जिंदगी में अपना बिजनेस कभी किया नहीं था, कोई आइडियाज नहीं था उसका, बिजनेस का भी नहीं पता था। सबसे पहले मैंने करी हुई है फैशन टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ मैं। उसके बाद मैंने एक स्मॉल कोर्स होटल मैनेजमेंट करा सिंगापुर से। एक साल मेरे को हो गया चंडीगढ़ में आए। मैंने काफ़ी जॉब्स ट्राई करी तो मेरे को उसमें मतलब अच्छा नहीं लगा कि ऐसा स्कोप दिखा नहीं कुछ आगे जाने का। तो मैंने सोचा कि कुछ अपना ही करना चाहिए। छोटे लेवल से जो काम किया हो ना स्टार्ट, बाद में उसके सारे पता रहते हैं, प्रोस कॉन्स क्या होता है, कैसे स्टार्ट किया था, बेसिक पता था। तो इसलिए मैंने स्टार्टअप किया था। चलो छोटी इन्वेस्टमेंट करी, इतनी बड़ी नहीं करी। 3 months में मेरे को एक अच्छा मिल गया कि एक PTC चैनल तक को फूड मैंने सप्लाई किया। फूड वेंडर उन्होंने बुक करा था 3 महीने के बाद। कस्टमर्स का भी अच्छा रिव्यूज मिल रहा है, तो अच्छा भी लग रहा है मेरे को कि फीडबैक अच्छी आ रही है। तो आगे मैं चाहती हूँ बिजनेस आगे जाएगा, ग्रो करेगा। अमन आपने फैशन टेक्नोलॉजी करी है पहले, उसके बाद आपने HM करी है सिंगापुर से, और उसके मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी। आपके जैसे कहते हैं ना हैट पे बहुत सारे फेदर्स हैं। एंड विद ऑल ऑफ दैट, विद ऑल ऑफ दोज अमेजिंग थिंग्स दैट यू हैव डन, साथ में आप एक राजमा चावल वाली स्टॉल लगा रहे हो। ये एक इतना बड़ा एग्जांपल है कि कोई काम छोटा नहीं होता, है ना? ये उसका एक इतना बड़ा एग्जांपल है। यू आर एट द पिनिकल ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट टू पीपल कि कोई काम छोटा नहीं होता। तो वी कंग्रेचुलेट यू फॉर दिस। एंड मुझे एक चीज बताओ कि व्हाइल यू आर डूइंग दिस, अभी 6 महीने में कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या हुआ है? 6 महीने में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी स्टाफ आया, स्टाफ चेंज हुआ कि 2-3 बंदे स्टार्टिंग से। पहले मैंने कुक रखा था, कुक के हाथ का जो खाना काफ़ी तेल डालते हैं, काफ़ी मसाला, लोगों के अच्छा भी लगा खाना। लोगों ने बोला कि मैम ये खाना हम रोज़ नहीं खा सकते। मैंने उसको बोला कि भाई थोड़ा तेल कम डालो। तो मुझे ऐसे लगा कि ऐसे कस्टमर से मेरे को कंप्लेंट आएगी ज़्यादा, क्योंकि आजकल सर हर कोई हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। रोज़ हम बाहर का खाना नहीं खा सकते। फिर मैंने खुद से होली होली खुद स्टार्ट किया। जब हमको कुकिंग आती है तो हम भी कर सकते हैं। तो मैंने खुद आराम से थोड़ा थोड़ा करके अब यहाँ तक पहुँच गया। अब अच्छा व्यूज आ रहा है। तो ये लग रही है जी एक थाली जिसमें सबसे पहले तो राइस आ गए, और आप थाली की क्वालिटी चेक करो, सब्बे में जो शुगर केन का जो रिसाइकलेबल मटेरियल होता है ना उसकी थाली बनी हुई है। एंड ये आ गई जी ऊपर से कढ़ी। एंड बिकॉज दिस इज अ थाली तो इसमें राइस, कढ़ी, राजमा सब कुछ जाएगा। ये साथ में आ गई जी न्यूट्री और आलू। ये आ गए जी राजमा खिले खिले एकदम। ये चित्री वाले हैं ना कि लाल राजमा है? लाल राजमा बहुत प्याज एंड चटनी। एंड व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस थाली? ये थाली कितने की है? 80 रुपीस की थाली है जी। आपका जो कुकिंग है ये HM में शुरू हुआ है, उसके पहले भी आप कुक करते थे? HM जो मैंने डिप्लोमा करा था वहाँ पे ऐसा इंडियन खाना नहीं बनाना सिखाते जो मैंने सिंगापुर से करा था। उसमें सैलेड वगैरह हो गया, वाइन सर्व कैसे करनी, फोक कैसे रखते हैं, स्पून कैसे रखते हैं, कैसा आपका वेल ड्रेस है। उसके बाद जो इंटर्नशिप होती है उसमें हर चीज़ सिखाई जाती है, हाउस कीपिंग से स्टार्ट होके पूरा मतलब सारा सेटअप सिखाया जाता है। अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए एक बड़े लेवल का कोर्स करना पड़ता है, पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक बड़े लेवल की बड़ी शेफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। शेफ तो हमारी माँ भी होती है, सबसे बड़ी इंडिया की शेफ भी वो है, दुनिया की शेफ वो है कि वो भी खाना बनाती है, उससे बड़ा शेफ कोई नहीं है। ये जो खाने का काम है, इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बट आल्सो द टफेस्ट। अगर हम देखा जाए ना कि सड़क पे खड़े हैं, बारिश है जी, बहुत कुछ मतलब बर्दाश्त किया है यहाँ पे, देखा है। पहले मैं भी एक अच्छी फैमिली से हूँ, मेरे को नहीं पता था कि मैं ऐसी चीज़ें कर पाऊँगी कि जैसे हम लोगों को देखते हैं। बड़ा कुछ गर्मी थी, अप्रैल से स्टार्ट किया, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, सब बोलते थे मैम आप कैसे बैठ जाते हो गर्मी में। मतलब मेरे को ना घर वालों को था कि ये भी लड़की ना ऐसे काम कर नहीं सकती जो सोचते हैं कि बाहर जाके बच्चे काम करते। जैसे मेरी फैमिली, मैंने बताया कि बाहर है सारी, उनको था कि यार ये ज़िंदगी में क्या करेगी, ये क्या करेगी, ये तो काम कर नहीं सकती। तो मेरे मन में था कि यार मेरे को ऐसा सुनने को मिलता है कि मैं कोई काम कर नहीं सकती।
तो मेरे को सबसे पहले ना दुनिया को, सारी दुनिया माँ बाप में समाई होती है। बिल्कुल। तो मेरे को दुनिया को नहीं दिखाना कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, मेरे को सिर्फ अपने के बाप को दिखाना कि भाई मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ जैसे दुनिया की सब लड़कियाँ कर सकती है। लोग लड़कियों को आगे तक जाने नहीं देते, अभी बड़े कुछ सोचते होंगे सड़क पे खड़ी है पता नहीं क्यों खड़ी है। अभी जैसे आप देख रहे हो इंस्टाग्राम में रीलों का जमाना, लड़कियाँ डांस कर रही है लड़की तो भी बदनाम है, लड़की सड़क पे खाना बेच रही है तो भी बदनाम है, लड़की मतलब बदनाम ही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, मैं अपना काम कर रही हूँ अपनी मेहनत से कर रही हूँ, मेरे को बहुत प्राउड है, मेरे को अपने भी बहुत प्राउड है कि मेरे को भी नहीं पता था कि मैं ये काम कर पाऊंगी जब मैंने स्टार्ट किया था, सोचा भी नहीं था इस काम के बारे में, मेरे को था रेस्टोरेंट ही स्टार्ट करना है। तो फिर मैंने सोचा कि रेस्टोरेंट में मतलब एक टीम हायर करनी पड़ेगी सब कुछ, आज मेरे को उसका पता चला कि यार क्या पता आपका स्टाफ सुबह आए ही ना। जब आपको खुद काम करना आता होगा ना तभी एक बिजनेस चला सकते हो। आज मेरे को आता है, मेरा स्टाफ छुट्टी भी करेगा, मेरे को पता है मैं बना सकती हूँ मैं कर सकती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है जीरा राइस, ये है जी जीरा राइस एंड फिले फिले बासमती चावल है, बासमती चावल है, जीरा निकल रहा है, बासमती राइस है जी, जीरा राइस एंड ये बॉइल्ड है स्टीम राइस है या परफेक्ट परफेक्ट। उसके बाद है ये कढ़ी, ये है जी पंजाबियों की फेमस कढ़ी है कि पंजाबी हर पंजाबी कढ़ी लाइक करता ही करता है। जी जी जी। उसके बाद ये आलू न्यूट्री है, आज है जी साथ में आलू न्यूट्री, और ये सूखी आलू न्यूट्री, आपने तरी वाले आलू न्यूट्री खाए होंगे बट ये सूखी आलू न्यूट्री है, मोस्टली कस्टमर से एक डिश सूखी पसंद करते हैं साथ में की। साथ में है राजमा, ये है जी राजमा, और राजमा और राइस यहाँ के बहुत ही ज्यादा फेमस है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो राजमा राइस जरूर ट्राई करना। पुदीना हरा धनिया अदरक पेस्ट सब कुछ डाल के चटनी बनाई गई है, और ये साथ में प्याज काट के रखा है, साथ में हम राइस भी देते हैं रोटी भी देते हैं, और जैसे मैंने बताया था कि हफ्ते में 3 दिन हमारे पास चिकन भी होता है। ये है जी चिकन तरी वाला, और भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, कल से नराते शुरू हो रहे हैं तो उसके पहले पहले मतलब आपको दिखा रहा हूँ, और आप जब आओगे तो यहाँ पे नरातों के बाद अगर आप आते हो तो चिकन जरूर खाना। पहले दिन शुरू किया था जब आप सड़क पे आए थे है ना, पहले दिन जब आपने स्टॉल लगाया तो क्या दिमाग में था, कैसा दिन था वो बताओ। खाना घर से बना के चलो हेल्प करके खाना ट्रांसफर कर दिया, पता भी नहीं था कि खाना आज बिकेगा नहीं बिकेगा, बिकॉज इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के अपने लोगों को आगे बढ़ने से। अब आपने जो स्टेप लिया है दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आप यहाँ से शुरू करेंगे, कल को जब आप एक एम्पायर बनाएंगे दैट इज व्हेन पीपल विल आस्क यू कि यार ये आपने कैसे किया। मैं भी बाहर जाती हूँ, काफ़ी कंट्रीज मैंने भी ट्रैवल करा, मेरे को एक तो ट्रैवल करना बड़ा ही अच्छा लगता है, मैं एक बड़ी फूडी हूँ, वहाँ पे अगर आप मोस्टली देखो ना तो लड़कियाँ ही आगे बढ़ के काम कर रही हैं, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक बड़े छोटे शहर से हूँ, पठानकोट से आगे भी एक जुगियाल रणजीत सागर डैम है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ तो बच्चे पढ़ेंगे उनकी शादी कर दी जाएगी, जहाँ मोस्टली लड़कियाँ बाहर चली गई हैं, और उसके लिए भी बच्चों को चंडीगढ़ वगैरह लुधियाना जैसे शहर में ही आना पड़ता है। मेरे को कल को पूछेगा स्टार्ट कैसे किया था, मेरे को इसमें कोई नहीं किया जी, मैंने बड़े छोटे, अब आप बूची सबसे बड़ा ब्रांड है उसको भी देख लो ना, उठा के उसकी बैकग्राउंड चेक करो, बड़े एक छोटे से लेवल से कोको कोला कंपनी इतनी बड़ी है, एक छोटे से ठेले से स्टार्ट किया उन्होंने। मैं एक परसों ही देख रही थी कि हाँ यार मतलब मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करने कि पुराने जमाने से ये चलता ही आ रहा है कि बड़ा काम एक छोटे लेवल से, अमेज़न इतना फैला हुआ पूरे वर्ल्ड में फैला, उसकी भी एक छोटी सी कंपनी था जो स्टार्ट हुआ था, तो मेरे को भी एक अपना ब्रांड ही बनाना है। अमन व्हाट्स योर फेवरेट कढ़ी या राजमा? मेरे राजमा। आपके राजमा है? मुझे कढ़ी बहुत पसंद है बट आपके यहाँ के राजमा मैंने बहुत तारीफ सुनी है, तो इट्स बेसिकली अ टाई, दोनों को ट्राई करेंगे हम। और ये देखो जी साथ में आ गए राजमा, एंड दीज राजमा यहाँ पे लोग कहते हैं कि राजमा जरूर ट्राई करो, बाकी सब कुछ छोड़ो राजमा एंड चावल जरूर ट्राई करो। और ये साथ में आ गए जी आलू न्यूट्री, और वो चटनी और प्याज, एंड द प्लेट इज कंप्लीट। एंड ये प्लेट कितने की अमन? सर इट्स अ 80। ये जो प्लेट है अगर आप इसमें सब कुछ लगवाते हो ऑल द वेजिटेबल्स एंड राइस तो ये 80 रुपीस की है। एंड जो लोकेशन है आज आप एग्जैक्ट बता दो। 76 सेक्टर 8B इंडस्ट्रियल एरिया नियर अजीत समाचार वाली रोड, और एनपी टावर के एकदम सामने, टावर के बिल्कुल सामने। हमने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी, आपकी फैमिली आपके पेरेंट्स उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे को इस टाइम वैसे भी वो कनाडा में है, सबसे पहले मेरे को इंग्लैंड से फोन आया मेरे कजन का, मेरी मोस्टली फैमिली ना बाहर ही है, मेरे को नहीं पता था कि मेरे को सुबह सुबह से कॉलेज क्यों आ रही है, वो बीच में वैसे ही वीकेंड आ गया था जो आपने लास्ट टाइम मेरी वीडियो उसके बाद सैटरडे आ गया था, तो मेरे को भी नहीं पता था कि किसी के मेरे को फ़ोन आएंगे, वो तो मेरे को बाद में पता लगा आपने वीडियो अपडेट करी हुई है उसमें, कभी कनाडा से फ़ोन, दुबई से फ़ोन, ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन, न्यूजीलैंड से, बाद में मेरे ब्रदर ने बोला यार ये तो मेरी सिस्टर लग रही, किसी को पता भी नहीं था कि मैं ऐसे काम कर रही हूँ, किसी को नहीं पता था, मैं किसी के साथ बात करती भी नहीं कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं अपनी लाइफ पर्सनल रखती हूँ। तो अच्छा उन्होंने पेरेंट्स मेरे को जो सुबह मेरे पापा से मेरी बात हुई उन्होंने मेरे को फ़ोन किया,
कि बेटा मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मेरे को भी नहीं उम्मीद थी कि तू ऐसा काम करेगी, कि तू ऐसे लेवल पे मेहनत करेगी कि जो लड़की सिर्फ एक फैशन की इंडस्ट्री में काम किया जा, फैशन ही उसने स्टडी करी। मैं मैथ में बड़ी वीक थी इसलिए मैंने फैशन को करा था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं BCA करूँ। सबसे बड़ा दुनिया चाहे जो कुछ, उनका रिस्पॉन्स आज मेरे को मिला है तो मेरे को सबसे ज्यादा खुशी वही हुई है। क्या बात, मेरे पापा की तरफ से मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि बच्चे तूने बहुत अच्छा काम किया है, कि इसी काम से ही बंदा बड़ा होता है, बस इस पे डटे रहना। हमारे माँ बाप ही हमारी दुनिया, हमारे माँ बाप हमारी दुनिया, उन्हीं से दुनिया शुरू होती है, उन्हीं से ही दुनिया है हमारी। मेरा ड्रीम है एक, मैंने जैसे पहले बताया था कि मेरा एक नाम बने, सबको बताओ अमन हुंदल जी। जैसे मैं अपने घर में पैदा हुई, दूसरी बेटी थी, जिस जमाने में लोगों को कहा जाता था कि हाँ जी बेटी हो उसके बाद बेटा हो, मतलब बेटी नहीं होनी चाहिए दूसरी, बंदे को ये भी होता, आज भी कईयों को होता कि पहली बेटी नहीं बेटा ही हो। तो आई डोंट नो कि कई रिश्तेदार ऐसे दिमाग में डाल देते हैं कि हाँ जी तू दूसरी बेटी थी, जब पता नहीं कुछ भी होता है। तो मैं चाहती थी मेरे टाइम पे शायद कोई कुछ ना हुआ हो, मैं बेटी थी, तो जब मैं आगे तक जाऊँ पता हो कि सबको हाँ यार ऐसी बेटी हर किसी के घर पर। सुबह पापा से अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मेरे लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी कि बाप मेरे को बोल रहा है कि बच्चे तूने बहुत अच्छा काम किया। अमन, हम सब एज अ फैमिली आपको विश करते हैं ऑल द बेस्ट, एंड जो भी आपके सपने हैं, आई थिंक यू हैव बिग ड्रीम्स बिगर देन मोस्ट ऑफ अस, तो आपके जितने भी सपने वो सारे स्वीकार हो। वी विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट्स में भाई साहब ऑल द बेस्ट की झड़ी लगा दो कि ऑल द बेस्ट ही ऑल द बेस्ट नजर आए। कड़ी हम डालते हैं जी, इधर बहुत सारी कड़ी डालेंगे। हियर्स अ बाइट ऑफ द कड़ी राइस। कड़ी की जो खटास है ना, इतनी जबरदस्त है। वाह, ये है जी न्यूट्री एंड आलू। जबरदस्त मसालेदार एकदम, सुपर लंच है, बहुत बढ़िया लंच है। आई लव द न्यूट्री, बहुत ज्यादा मसाले जो है ना सोख रखे हैं। यहाँ के जो चीफ गेस्ट भाई साहब है ना, वो ये है। हियर्स अ स्पून। भाई हरी चटनी ना रंग बांध रही है, रंग राजमा बहुत अच्छे हैं। कढ़ी एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मुझे पसंद है, और जो न्यूट्री है दिस इज लाइक अ सरप्राइज। बट व्हाट आई लव अबाउट दिस प्लेस इज द डिटर्मिनेशन यार, मुझे ग्रिट है ना अंदर, सक्सेसफुल होना है, मुझे जिद है, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, दैट इज द बेस्ट पार्ट। वी ऑल एब्सोल्युटली हैव 100% रिस्पेक्ट फॉर अमन फॉर द वर्क शी इज डूइंग। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये। जिंदाबाद रहन सटी यानी तो जौंदा आजाद ते वजदा रहे साडा पंजाब नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो एक लॉयर जो जलंधर में पराठे बेच रहे हैं LLB करके, तो भाई साहब ये देखो भाई, सबसे पहले तो उनकी हिम्मत को सलाम है, क्योंकि उन्होंने जो है एक ऐसा काम शुरू किया जिसे जो है ना शुरू करने के लिए बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, और वो उसको ना फिर डब्बे में बंद करके कहीं पे रख देते हैं। लेकिन वाकई वो जो काम करें बहुत अच्छा काम है, और मैं खुद ये चीज़ कहता हूँ भाई, खाने पीने का कारोबार जो है ना एक ऐसा काम है कि सारे बंद हो सकते हैं, ये काम ऐसा कि ये कभी बंद नहीं हो सकता। लेकिन खाने पीने का काम जो है इतना आसान नहीं होता, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको बहुत ज्यादा मुझे लगता है डिटर्मिंड होना पड़ता है, फिर जाकर आपको जो चीजें हैं मतलब उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है। लेकिन सबसे पहले तो भाई मैं तारीफ करूंगी कि इंडिया में वाकई में हम लोग को ऐसी एग्जांपल्स मिलती है जहां पर लोग, हम कहेंगे जो एक जो चीजें एक सोशल स्टिग्मा मानी जाती है, उनको ब्रेक करके आगे आते हैं। तो मुझे ये चीज बहुत पसंद आती है, क्योंकि वाकई में ये है कि एक लड़की के लिए आज भी ऐसे रोड साइड पे एक ठेला लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है हमारी सोसाइटी में। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और चीज भी मानूंगी कि अभी आकर मैं भी मतलब, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े बड़े शहर की मैं बात कर रही हूँ, छोटे शहरों को तो मैं कंसिडर भी नहीं कर सकती कि वहां पर कोई लड़की ऐसे कर सके, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब सोच भी नहीं आ सकती। लेकिन शायद कभी कोई कुछ करता भी हो तो मुझे ना पता हो, बट बड़े शहरों में मुझे ये चीज़ अब अच्छी लगती है कि अगर कोई ऐसे लेडीज को हम देखते हैं या लोग देखते हैं तो एटलीस्ट वो अप्रिशिएट करते हैं और उनको उनको एक हौसला देते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ अब लोगों में जो चेंज है वो नजर आना चाहिए, यार करना भी चाहिए, क्योंकि देखें बजाय इसके कि क्या नाम लेते हैं आप मांगें, ठीक है ना, आप उससे बेहतर है मेहनत करें, ठीक है ना। और मेहनत करना जो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अच्छी तरह याद है कि अगर हम बात करें ना तो याद हो आपको हम गए थे जब चाय पीने गए थे, तो हमें बहुत हमें बहुत अच्छा लगा था उन्हें देखकर। वो अपने हालात से तुम देखो थकी हुई और बहुत मसले मसाइलों से निकलने के लिए उन्होंने किया था। लेकिन आज जो हम लोगों ने अमन को देखा है
उनकी फैमिली देखो वेल सेटल्ड है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर एक पैशन था कि मुझे कुछ करना है. कि बहुत सारे लोगों ने, मे भी उन्होंने अपने चाइल्डहुड में ये चीज सुनी हो या अपनी टीनेज में ये बात सुनी हो कि लड़कियां नहीं कर सकती ज्यादा काम कुछ इस तरह से, या उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, कुछ भी हो सकता है. बट जिस तरीके से वो सामने आई है, जो उनकी डिटर्मिनेशन है, मुझे वो बहुत पसंद. बिल्कुल. और दूसरी उन्होंने जैसे बात की कि ये चीज यहाँ पर भी देखी जाती है कि पहली अगर लड़की हो और उसके बाद फिर लड़की हो जाए. अब आके वैसे शहरों में तो ट्रेंड काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, लेकिन अगर आप पहले की बात करें तो ये चीज सुनने को मिलती थी कि क्या नाम लेते हैं फिर लड़की हो गई है. हाँ. तो ये चीज जो है ना हकीकत है, ये होता है. फिर मैं एक और यहाँ पे बात करना चाहूंगा, भाई वो जिस चीज में सर्व कर रही थी जो शुगरकेन का रिसाइकल. हाँ. था, ठीक है यार. वैसे ये चीज सोच के ना मेरे जहन में अब बात आई थी, अगर हम साउथ वाली साइड पर देखते हैं वहां पर आपको जो है वो पत्तों वाली प्लेट्स जो है वो मिलती है, डिस्पोजेबल प्लेट्स जो है. और अगर हम अब नॉर्थ वाली साइड पर देखें, ये हमने फर्स्ट टाइम इस तरह की चीज देखी है, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था. बिल्कुल. और भाई राजमा की भी मैं बात करूं तो ऑनेस्टली मैंने राजमा ना इंडियंस को दे दे के खाना शुरू किया. इससे पहले मतलब मुझे नहीं पसंद थे या हम लोगों ने कभी बनाए भी नहीं थे. तो लेकिन ये कि अब जब हम राजमा बनाते हैं, अब पता नहीं वो राजमा लोबिया जिसको हम रेड बीन्स बोलते हैं वही होता है या पता नहीं क्या होता है. क्योंकि हम लोगों ने एक दो दफा मैंने ब्लॉग जब बनाया ना तो उसमें लोगों ने लिखा है ये तो पता नहीं वो दूसरे वाले हैं. तो मुझे इतना तो आइडिया नहीं है कि आगे से उनकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती है. बट हाँ मुझे टेस्टी लगते हैं. लेकिन जैसे ये दिखाते हैं ना प्याज और साथ में चटनी डाल के, हाँ. तो मेरे मुंह में पानी आता है. एक बार तो ट्राई करना जरूर बनता है यार. जो है ना जो घर में हमने बनाया था तो वो इसे जो फर्स्ट टाइम बनाया था तो काफी ज्यादा थोड़ा सा सख्त रह गया था, यानी गला सही नहीं था लोबिया. नहीं फर्स्ट टाइम नहीं था सही हुआ. जब सेकंड टाइम बनाया था ना, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया होगा इसलिए मुझे नहीं पता. लेकिन जब सेकंड टाइम बनाया था ना वो खाने को, वैसे मुंह में डालते साथ ही घुल जाने वाला सीन था. राजमा का मजा ही था जब मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा यू नो उस तरह से गला हुआ हो. हाँ, कि खाने का मजा ही तब आता है. बट जैसे भाई हम लोग देख रहे थे कि फटाफट चीजें हमें लग रहा था कि लाइक खत्म होती जा रही है. मींस के टेस्ट से टेस्ट का पता चलता है कि बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट होगा. बिल्कुल. और एक चीज मुंह में पानी आ रहा है. एक चीज और जो जैसे उन्होंने बताया स्टार्टिंग में जो है, जब वो खाना बनाती थी जो बाकी जो कुक्स होते हैं जो देसी कुक होते हैं वो तेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. मोस्टली लोग इसी वजह से नहीं खाते कि भाई तेल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया. लेकिन बाद में उन्होंने जो स्टेप लिए खुद बनाने के, वो काफी ज्यादा जो है मैं कहूंगा कि अच्छा है. क्योंकि भाई अगर खाना जो है इस तरह का हो ना कि आपको उसमें से घर वाली फीलिंग्स आए तो आपका बार बार खाने का दिल करता है. वैसे मुझे ना आज की वीडियो देखे ना चाय वाला की भी MBA चाय वाला याद आ गई. मतलब एक वाकई में स्ट्रगल होती है, लेकिन उसके बाद जब आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाता है ना तो आपको खुशी भी होती है और इसी तरीके से आप ग्रो भी करते हो. बाकी ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी थी एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी. आप में से किस किस ने ये राजमा चावल खाए हैं इनसे जरूर बताइएगा हम लोगों को कॉमेंट सेक्शन में, और टेस्ट में कैसे हैं ये भी जरूर बताइएगा. और इसी के साथ हमें गुड बाय.